नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो अमावस्या सोमवार के दिन आती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। और दोस्तों, इस दिन किए गए दान का बहुत अधिक महत्व होता है। साथ ही दोस्तों, इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे सांसारिक सुखों के साथ में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है विवाहित महिलाओं को। और दोस्तों, इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा सुनने से अपार धन के साथ जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति होती है और विवाहित महिलाओं का जो सौभाग्य है वह अखंड रहता है। इसलिए दोस्तों, इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें उसकी पत्नी और एक पुत्री रहा करती थी। ब्राह्मण की जो पुत्री थी वह बड़ी होने लगी। वह बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी, संस्कारवान थी। गुणों में भी उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसमें जो कमी थी वो सिर्फ ये कि वह एक गरीब ब्राह्मण की कन्या थी। इसीलिए दोस्तों, उसके विवाह में अड़चने आ रही थी। विवाह के योग नहीं बन रहे थे। जब लड़की की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता होने लगी। तब ब्राह्मण ने एक बार एक साधु से पूछा कि मेरी कन्या का विवाह क्यों नहीं हो रहा है, ऐसी क्या समस्या आ रही है कि मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है। तब साधु ने कन्या की हथेली देखी और देखा कि इसकी हथेली में विवाह का सुख नहीं है। अगर विवाह होगा भी तो वैधव्य का सामना करना पड़ेगा। ब्राह्मण ने साधु से उसका उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह के योग और विवाह के सुख के योग बन जाए। तब साधु ने अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करते हुए बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन जो है वो रहती है, उसका और साथ में उसका पति बेटी बहू भी रहते हैं। वह बहुत ही संस्कारी और पति परायण स्त्री है। यदि आपकी कन्या उसकी सेवा करे और शादी में अपनी मांग में उसकी मांग का सिंदूर लगा ले तो इस कन्या का वैधव्य का जो योग है वो मिट जाएगा। साधु ने बताया, लेकिन वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। और यह बात कहते ही कन्या रोज सुबह जल्दी उठकर जो सोना धोबी ने उसके घर जाकर साफ सफाई और बाकी के काम करके अपने घर वापस आ जाया करती थी। जब सोना धोबी ने अपनी बहू से इसके बारे में पूछा कि सारे काम तुम कर लेती हो, तो बहू ने कहा, माँ जी, मैं तो देर तक उठ सोती हूँ, मैं तो लेट उठती हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं किया। तो सोना निगरानी करने लगी कि आखिर कौन है जो उनके घर के सारे काम जो है वो इतनी जल्दी सुबह आके कर लिया करता है। और एक दिन सोना ने उस कन्या को देख लिया। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं, इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी आप क्यों कर रही हो, आप तो ब्राह्मण की कन्या लगती हो और आप ये मेरे सर पे क्यों पाप की भागिन मुझे बना रही हो, ब्राह्मण कन्या से मैं किस तरह से अपने घर के काम करवा सकती हूँ। तब कन्या ने साधु द्वारा जो बताई बात थी वो पूरी की पूरी बात सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था और वह तैयार हो गई उस कन्या को अपनी मांग का सिंदूर देने के लिए। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट कर आने तक पति का ख्याल रखने को कहा और वह उस कन्या के साथ चली गई। सोना धोबी ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसी क्षण उसके पति का स्वर्गवास हो गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से बिना जल पिए ही निकली थी और सोचा कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ होगा तो उसकी परिक्रमा देखकर, भौरी देखकर वह जल ग्रहण कर लेगी, क्योंकि उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए व पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से ही 108 बार भौंरी देकर और 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण किया। और जैसे ही उसने अपनी पूजा संपूर्ण की, उसके मृत पति के शरीर में कंपन होने लगा, वह जीवित हो गए।
दोस्तों शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में दिन दुगनी और रात चौगुनी वृद्धि होती है। और जो हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भौरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश की पूजा करता है और कथा कहता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों यह थी सोमवती अमावस्या की कथा। इस दिन भगवान गणेश भगवान शिव की पूजा करने के साथ ही दोस्तों धोबन और धोबी की पूजा करने का भी विधान बताया गया। और इस दिन दोस्तों जितना हो सके दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, साथ ही किसी पवित्र नदी में स्नान भी अवश्य करना चाहिए। और पीपल की पूजा करने से तो दोस्तों सभी देवी देवताओं के साथ में हमें हमारे पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों मौका ना गवाएं, सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की पेड़ की पूजा अवश्य करें। और साथ ही दोस्तों सोमवती अमावस्या की कथा को आप जरूर सुनें और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी इसे शेयर करें ताकि इस कथा के द्वारा उन्हें भी जीवन में अपार सुख की प्राप्ति हो सके। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर कीजिए और दोस्तों साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास बने बेल आइकन को क्लिक कीजिए।